आजम खान जैसे बदमिजाज और बेलगाम व्यक्ति मंत्री पद पर बैठ करके भी अनर्गल बयान देने को आजाद है। सुप्रीम कोर्ट ने बतौर मंत्री आजम खान के दिए बयान को एक व्यक्ति का बयान माना है, और जब भारत की सबसे बड़ी अदालत ऐसी कोई आदेश जारी करती है तो ये आदेश पूरे देश के लिए होता है। आजम खान ने बुलंदशहर में एक गैंग रेप के मामले में बेहद घटिया अशोभनीय बयान दिया था और कहा था ये सब कुछ राजनीति के लिए लोग कर रहे हैं। आरोप एक पिता का था जिसकी बेटी और उसके पत्नी के साथ बुलंदशहर के पास हाईवे पर एक गैंग रेप हुआ था, और आजम खान अपने स्वभाव के मुताबिक जहरीला और बदमिजाज बयान दे रहे थे। इस मामले में आजम खान को लेकर के शिकायत सुप्रीम कोर्ट में हुई, उनके बदमिजाज बयानों को लेकर के। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि किसी मंत्री के द्वारा दिए गए बयान को सरकार का बयान नहीं माना जा सकता, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के दौर में किसी को भी बयान देने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को इस आज़ादी के साथ मौज करने के लिए आज़ादी दे दी है। आजम खान अपने जहरीले बयान के लिए कुख्यात रहे हैं। भारत की संसद में तब पीठ पर बैठी सभापति रमा देवी के साथ एक छिछोड़ा बयानबाजी संसद में बतौर सांसद आजम खान ने दिया था। रमा देवी पर छिछोड़ा बयानबाजी करने के आजम खान के व्यवहार पर जब भारत सरकार के तब के मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो कानून मंत्री थे, उन्होंने जब आपत्ति की, तब आजम खान गोल गोल करने लगा और उसके पार्टी के अध्यक्ष और तब के सब सांसद रहे अखिलेश यादव ने भी उनका बीच बचाव ही किया। आजम खान की आदत हमेशा से रही है जयाप्रदा को के ऊपर अश्लील टिप्पणी करने से लेकर के रामपुर के डीएम को मायावती के जूते साफ कराने की बात करने वाले आजम खान को आपने सुना ही है। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। ये आजम खान जहरीले बयान देने के आदि थे। उन्हें लगता था कि वो सत्ता के शिखर पर ऐसे बैठे हैं कि उन्हें कोई उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इन आजम खान को अदालत भले ही छुट्टा छोड़ थी, इन आजम खानों को भले ही उनके 90 से ज्यादा मामले में जेल में रहने के बाद किसी सिब्बल के सहारे जमानत मिल जाए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति के सत्ता का इकबाल है, तो फिर इन आजम खानों की दुर्गति क्या होती है ये आपने देखी है। आजम खान को भले ही अदालत राहत दे दे, लेकिन योगी के इकबाल के दौर में इन आजम खानों को लगता है कि अदालत से मिली राहत के कोई मायने नहीं है। आजम खान आज सलाखों के पीछे भले ही नहीं है, वो सजायाफ्ता अपराधी है। वो न सांसद है न विधायक है। रामपुर जहां उसका इकबाल था, वहां से जिस किसी को उसने खड़ा किया वो चुनाव हार गया। विधानसभा की सदस्यता जब आजम खान की गई सजायाफ्ता अपराधी होने के कारण, तो सुप्रीम कोर्ट उसे उस समय भी ढील देने के मूड में था, क्योंकि वकील सिब्बल थे। सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश की अवहेलना एक तरह से करते हुए निचली अदालत से कहा कि इस मामले को देखने के लिए निचली अदालत ने आजम खान की विधानसभा की सदस्यता पर न सिर्फ रोक लगाई, चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक था। उस आजम खान का उसी कानून के मुताबिक वोट देने का अधिकार छिन गया। कभी राजनीति में अपराधीकरण पर
अंकुश लगाने के बड़े बोल बोलते सुप्रीम कोर्ट को आजम खान जैसे लोगों के मामले में राहत देने का मामला कई बार चौंकाता है, लेकिन जब इकबाल योगी का हो तो समझ में आता है मुख्तार अंसारियों का क्या हुआ। मुख्तार अंसारी के अरबों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। मुख्तार अंसारी ही नहीं, अतीक खानों की अरबों की संपत्ति कुर्क कर दी गई, इन सब के रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। जो काम अदालत का था वो कानून के मुताबिक योगी के सत्ता के इकबाल में हो रहा है और जनता इसीलिए सुकून में है। और तब जब योगी राज में कोई नेता बड़ी बोल बोलता है, विपक्ष में आकर के जब नैतिकता की बात बोलता है, तो योगी उसको बेहतर जवाब देते हैं और यह कहते हैं कि हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले अब नैतिकता की बात करते हैं। सुनिए योगी को। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। योगी के बोल सिर्फ सफेद पोशों के लिए नहीं है, कानून के शीर्ष पर बैठे हर किसी के लिए भी संकेत है, संदेश है। तभी योगी राज में माफियाओं और गुंडों को ठोक दिया जाता है। बुलंदशहर में एक ज्वेलरी शॉप लूटने वालों को पुलिस ने वहीं निपटा दिया। एक दौर था जब माफियाओं सोहराबुद्दीन और लश्करे तैयबा की आतंकी, इन सब के का जब एनकाउंटर होता था तो मीडिया बवाल मचाता था। योगी राज में ऐसे ऐसे एनकाउंटरों पर मीडिया की बोलती बंद है। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते इतने पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में योगी पर लगाम की बात तो आती है, लेकिन अदालत योगी के फैसले पर रोक नहीं लगा पाती। ये बात सबसे बेहतर तरीके से आजम खान के मामले में समझा जा सकता है। ये बात समझी जा सकती है मुख्तार अंसारी के मामले में। मुख्तार अंसारी को एक मामले में निचली अदालत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट इसी मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर ना किया जा सके, इसके लिए कपिल सिब्बल समेत तमाम वकीलों की दलील लंबे समय तक सुनी गई। कमाल की बात है ना, जिस मुख्तार पर दर्जनों केस यूपी में थे वो पंजाब में एक फर्जी केस दर्ज करवाकर जेल में मौज ले रहा था। अब यह भी सामने आया कि किस तरह से पंजाब के जेल में उसके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं थी, उसका खुद का एम्बुलेंस था जिससे वो जेल से अदालत कभी कभी आ जाया करता था। मुख्तार जेल में, पंजाब के जेल में इसलिए था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में योगी की सरकार। इन माफियाओं का सलाखों के पीछे होना सिर्फ मायने नहीं रखता, इनका सिर्फ सजायाप्ता होना मायने नहीं रखता, योगी राज में इन सब की संपत्ति कुर्क कर छीन लेना मायने रखता है। इसीलिए भले ही आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी हो कि कानून के वो प्रदेश के नगर विकास मंत्री होते हुए भी जिस तरह से एक पिता एक पति की भावनाओं को चोटिल किया, उनकी पत्नी के साथ और उनकी बेटी के साथ गैंग रेप पर का जो अपमान किया, उसमें आजम खान को कोई सजा नहीं होगी।
आजम खान के साथ साथ अदालत ने तमाम मंत्रियों को राहत दे दी है कि वो अपने पद पर रह करके अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठा सकते हैं। वो बयान सरकार के बयान नहीं माने जाएंगे। ऐसे में कई बार योगी के बयान, योगी के संदेश कि बस्ती लूटने वाले हाथ जोड़कर अब सुधार की बात कर रहे हैं, ये उन सब के लिए बड़ा संदेश है। और यही फर्क है कि योगी के सामने हर किसी की नैतिकता के दांव पेच उलट पर जाते हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।